कृष्णा पब्लिक स्कूल लहुनगर में सांस्कृतिक समारोह प्रज्ञोत्सव का समापन हुआ। स्कूल के चेयरमैन एमएम त्रिपाठी ने समापन समारोह का उद्घाटन किया। प्रिंसिपल सविता त्रिपाठी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों से हटकर अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा को संवारने व निखारने का अवसर प्राप्त होता है। ये समारोह विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ दी। इस 10 दिवसीय प्रज्ञोत्सव का समापन कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर किया गया। गौरतलब है कि कृष्णा पब्लिक स्कूल में भव्यता के साथ प्रज्ञोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। बीते कई वर्षों से कृष्ण जन्मोत्सव को हर्ष और उल्लास से मनाते हुए प्रज्ञोत्सव का आयोजन स्कूल प्रबंधन के द्वारा 10 दिवसीय किया जाता है। इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति 17 अगस्त से 27 अगस्त तक प्रज्ञोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर इस प्रज्ञोत्सव का समापन विभिन्न प्रस्तुतियों के साथ किया गया। प्रज्ञोत्सव के समापन अवसर पर कृष्णा पब्लिक स्कूल ऑफ ग्रुप के चेयरपर्सन एमएम त्रिपाठी विशेष रूप से शामिल हुए। इसके साथ ही केपीएस स्कूल की प्रिंसिपल सविता त्रिपाठी भी यहां पर विशेष रूप से शामिल रही। आयोजन को लेकर इस तरह की जानकारी आयोजकों ने दी। ये देखिए, आज 10वां दिन है और जिस तरह से भव्य प्रस्तुति प्रज्ञोत्सव की हुई है कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर का, इसका मतलब चीफ मैंने ये इन्हीं के द्वारा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसकी ये श्रेय जाता है इसके प्रिंसिपल मिसेस सविता त्रिपाठी को और इनकी टीम को। इस टीम में मतलब आप ये बताइए कि जिस तरह से निमंत्रण देना, उनको बुलाना, सारा खाने की व्यवस्था करना, इतने लोगों को करीब करीब 1200 से ज़्यादा लोग इसमें स्टेज और मंच पर आए और इन सबको इतना बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करना, इतना पैसे का आयोजन करना, मैं तो इसकी तारीफ करूंगा ये प्रिंसिपल की और उनकी टीम को कि क्या इतना बड़ा आयोजन इतने सुचारू रूप से हो सकता है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि बिना किसी ह्यू एंड क्राई, बिना किसी इधर उधर के परेशान के उन्हीं के भीड़ के, और आप इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। ये एक सांस्कृतिक चेतना है पूरे देश के लिए, समाज के लिए, और मोरबर हमारे CBSE का सिस्टम भी है अब कि होलिस्टिक एजुकेशन चाह रहे हैं, उसका भी बड़ा अच्छा उदाहरण है। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, निसंदेह अरे वो तो अगर कुछ देर से आप भी रहे होंगे तो देख रहे होंगे, एक भव्यतम कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा उत्साह, बहुत ही शानदार और मनमोहक प्रस्तुति थी। और उसमें उत्साह था ही, जब रहेगा तभी कोई कार्यक्रम स्टेज पर इतना बड़ा। स्टेज कितना बढ़िया है, स्टेज मतलब कैसे कलाकारों ने बनाया होगा इतना, इसी स्कूल के टीचर्स ने बनाया, ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है मैं मानता हूँ कृष्णा पब्लिक स्कूल के लिए और होल ग्रुप के लिए भी एक बड़ा इनके लिए उपलब्धि है। और थैंक्स टू प्रिंसिपल, थैंक्स टू स्टाफ, थैंक्स टू ऑल दोज पर्संस हु आर एसोसिएटेड विद दिस। ये 10 दिवसीय प्रज्ञोत्सव का कार्यक्रम जन्माष्टमी के समारोह के साथ हम इसका समापन करते हैं। और जन्माष्टमी, चूँकि हमारे स्कूल का नाम भी कृष्णा के ऊपर है और हमारी जो विजन है स्कूल का वो भी है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतु भूर्मा संगोत स्वकर्मणि, अर्थात आप कर्म करते चलो और फल से आसक्ति मत करो, जो बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी और लागू होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा आज की तारीख में बहुत डिप्रेशन के शिकार होते हैं या अच्छा परिणाम ना आने पे बहुत निराश होते हैं। अगर वो प्रयासरत रहें और इसके लिए चिंतित ना हो तो उनका निश्चित तौर पे प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा, यह सोचते हुए इसके इस सिद्धांत पर हमारा स्कूल चलता है। अतः इसलिए हमें कृष्ण जन्माष्टमी जो है उस उत्सव को बहुत ही बेहतर ढंग से हम मनाते हैं। और प्रज्ञोत्सव जो कि एक पूरा सारी कला का ज्ञान का एक उत्सव है, जो 10 दिवसीय कार्यक्रम था उसमें हम कृष्णा अवार्ड आज देते हैं और कैश प्राइजेस देते हैं, जो कि हम बार बार इसको बताते भी हैं, तो आज उसका भी हमने इसी के साथ समापन किया और ये बहुत ही सफल प्रोग्राम था। आप देखेंगे ये प्रतिवर्ष जो है यह कार्यक्रम सफल से सफल
और होता जा रहा है, क्योंकि इसमें जो प्रतिभागियों की संख्या है प्रतिवर्ष बढ़ती चली जा रही है। इस वर्ष भी नंबर ऑफ डेज भी बहुत ज़्यादा थे और लगभग 1500 से ऊपर प्रतिभागियों ने, जो विभिन्न स्कूलों के, जो इस शहर के ही नहीं वरन दूसरे स्टेट्स के भी थे, वो बच्चे भी यहाँ पर आकर के अपना प्रदर्शन किया। और उनमें से कुछ बच्चे जो उपलब्ध थे, शहर के ही जो विनर थे कुछ, उनको हमने आज निवेदन किया था और उन्होंने ही देखे, आज शाम को 5 बजे से कार्यक्रम चालू हुआ है और उन्होंने अपनी अपनी नृत्य कला संगीत की प्रतिभा का यहाँ पर प्रदर्शन किया है और भक्ति रस में हम सब लीन थे, वो ऐसा ही प्रदर्शन किया है उन्होंने। पढ़ने वाले बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ अब ज़रूर ऐसी किसी विधा को लेकर सीखें, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यवसाय के लिए ही नहीं ज़रूरी होता है, वरन ये इसके लिए भी ज़रूरी होता है कि आप कभी अगर निराश हैं या आप स्वयं को एक प्रोत्साहन चाहते हैं, तो आप नृत्य संगीत से आप अपनी बहुत पीसफुल एक लाइफ, खुशनुमा जीवन बिता सकते हैं। तो इसके लिए भी नृत्य संगीत में भागी बने और ज़रूर पढ़ाई के साथ साथ इसका, और आपका निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि इसके साथ आपका प्रदर्शन पढ़ाई में भी अच्छा होगा। विभिन्न प्रांतों से आए प्रतिभागियों ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर यहां पर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की खास झलकियां। पुष्पा नाम सुनके फ्लावर समझे क्या? फायर है। पुष्पा नाम सुनके फ्लावर समझे क्या? फायर है। बहरहाल हर साल की तर्ज पर इस साल भी प्रज्ञोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। विभिन्न प्रांतों से आए बच्चों ने यहां पर पुरस्कार भी जीते। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।